हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आ चुके हैं जीरो से हीरो बनने वाले बेन स्टोक्स की कहानी लेके। सबसे पहले बात करते हैं बेन स्टोक की। तो बेन स्टोक सबसे पहले न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, लेकिन वो बहुत जब छोटे थे तभी उनके पिताजी इंग्लैंड आके शिफ्ट हो गए और इंग्लैंड की नागरिकता ले ली, हासिल कर ली। फिर उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे धीरे वो बढ़िया क्रिकेट खेलने लगे और एक बढ़िया ऑलराउंडर ही बन गए। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2016 में फाइनल में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे और लगातार चार छक्के पीटने ब्रेथवेट के द्वारा लगातार चार छक्के पड़ गए बेन स्टोक्स को, और वहाँ से ये बहुत डिप्रेशन में चले गए। बहुत निगेटिव थाट आने लगे, और कोई भी प्लेयर डिप्रेशन में क्यों ना जाए, जिसको लास्ट ओवर में सेव करना था 19 रन, बल्कि वो शुरू के चार गेंदों में ही चार छक्के पीट के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाता है। तो फिर बाद में न्यूजीलैंड इंग्लैंड जाने के बाद बहुत डिप्रेस हो चुके थे और ना जाने पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था, किसी शख्स से झगड़ा करने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद में धीरे धीरे फिर उन्होंने क्रिकेट से दूर भी कुछ समय तक दूर भी रहे ताकि डिप्रेशन से बाहर निकल सके। फिर डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 2019 में ODI वर्ल्ड कप जिताने में इनका कितना अहम हाथ रहा। 2019 के ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्होंने शानदार बेहतरीन पारी खेली और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप फाइनल जिताया, ODI वर्ल्ड कप फाइनल जिताया। फिर उसके बाद SS लीग में लास्ट विकेट के लिए बहुत बढ़िया साझेदारी की और उस मैच को भी जिताया, टेस्ट वाले मैच को भी जिताया। फिर उसके बाद 2022 के T20 वर्ल्ड कप, यानी अब के जो इस साल T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीती है, वो भी इनके मेहरबानी से जीती है इंग्लैंड। तो ये जीरो से हीरो बनने की कहानी बेन स्टोक्स की है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी डिप्रेस ना हो, डिप्रेशन होने के बाद भी लोग हीरो बन सकते हैं, जैसे बेन स्टोक्स बने। तो याद रखें हमेशा, कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं। जैसा कि 2016 में बेन स्टोक्स पूरी तरह डिप्रेस हो चुके थे, इतने डिप्रेस हो चुके थे कि इनकी पब्लिक से झगड़ा हो गई और पब्लिक के झगड़ा होने के बाद ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किए जा चुके थे, लेकिन फिर वहाँ से इन्होंने कम बैक किया। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद लास्ट विकेट के लिए बढ़िया साझेदारी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में, फिर उसके बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया। तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में।